तो दोस्तों ये है अपना एंड फरक्का का ब्रिज, जिसको हम लोग फरक्का बैरिज के नाम से जानते हैं। यह है गंगा नदी। दोस्तों ये पानी यह है गंगा नदी। यह है फरक्का बैरेज का बांध इसके ऊपर। दोस्तों यह कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबा है, 2 से 3 किलोमीटर सॉरी। ये गाड़ियां इसी के ऊपर से निकल रही हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये सड़क के साथ में पटरी है और पटरी के ऊपर से ट्रेन इंजन। इसको यहाँ पे इन्होंने गेट से रोक रखा है पानी को, आप देख सकते हैं पानी को रोका हुआ है। तो ये पानी जाता है पूरा NTPC थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे बिजली के काम आता है ये। ये गंगा नदी है दोस्तों। यह है फरक्का बैरेज जो बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल की एक जगह। दोस्तों यह है फरक्का बैरेज, ये गंगा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है। गंगा नदी है, ये बांध है, ये पानी को रोक के यहाँ पे बिजली बनवाई जाती है। ये कम से कम 3 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। तो ये है फरक्का बैरेज, ये पानी को रोका गया है यहाँ पे, वो सड़क है और ये पानी का रूट चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ साथ आप भी देख रहे हैं, ये जो पानी का रूट चेंज करके पानी को NTPC थर्मल प्लांट में भेजा जा रहा है और वहाँ पे फिर उसको बिजली बनाया जाएगा। ये है दोस्तों, ये नदी वहाँ से आ रही है और वहाँ पे जा रही है, लेकिन वहाँ पे बांध लगा के इसका रूट चेंज किया जा रहा है और ये पानी NTPC पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर उसका बिजली बनाया जाएगा।